फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल और न्यूज नेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। भारत में 82% पुरुष और 92% महिला कर्मचारी प्रति माह 10,000 से कम रुपए कमाती हैं। यह थी आज की रिपोर्ट। भारत में पिछले 20 सालों से बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। बेरोजगारी भारत में नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। अब उनके पास इसकी चिंता करने के और भी कारण हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 20 सालों से बेरोजगारी की दर सबसे अधिक बनी आ रही है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया था, जिसने भारत में नौकरी के बाजार को प्रभावित करने वाली कुछ डरावनी वास्तविकताओं को प्रकाश में लाया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी दर बढ़ने के बावजूद विकास और रोजगार सृजन के बीच का संबंध समय के साथ कमजोर हो गया। 1970 और 1980 के दशक में जब जीडीपी की वृद्धि लगभग 3-4% थी, उस वक्त रोजगार वृद्धि लगभग 2% प्रति वर्ष थी। वहीं 1990 के दशक से और विशेष रूप से 2000 के दशक के बाद से जीडीपी विकास दर 7% तक बढ़ गई है, लेकिन रोजगार वृद्धि 1% या उससे भी कम हो गई है। वहीं रोजगार वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुपात अब 0.1 से भी कम है। चौंकाने वाली बात यह है कि 82% पुरुष और 99% महिला कर्मचारी की सैलरी प्रति माह 10,000 रुपए से कम है। इससे पता चलता है कि अधिकांश भारतीयों को उतना भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसे जीवित मजदूरी कहा जा सके, जिसकी वजह से युवा सरकारी नौकरियों की ओर तीव्रता से भागते हैं। एक और विचलित करने वाली सच्चाई यह है कि शिक्षित युवाओं में खुले बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, लेकिन वर्तमान अर्थव्यवस्था की एक नई विशेषता है, यह है खुले बेरोजगारी की दर उच्च हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में वृद्धि पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन यह उत्तरदायी राज्यों में विशेष रूप से गंभीर है। ऐसी रोचक और अनोखी स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।